नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र सर ऑफिशियल में। हम हर रोज की तरह आज फिर आपके लिए लेकर आए हैं बेस्ट करंट अफेयर्स, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। आज की तारीख है 11 अगस्त 2020। वीडियो शुरू करने से पहले आपको देते हैं एक रिक्रूटमेंट संबंधी जानकारी। सेंटर फॉर थ्योरेटिकल साइंसेज के बेंगलुरु कैंपस के द्वारा एक एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है, जिसमें आप साफ साफ देख सकते हैं साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट्स, काफ़ी कुछ पद यहाँ पर अलग अलग स्ट्रीम्स के दिए हुए हैं। आप इसकी डिटेल पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पेज पर जाकर डाउनलोड कर लीजिए, और अगर आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म ज़रूर भरिएगा। साथ ही आपको इस वीडियो की भी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पेज पर मिल जाएगी, चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, अगर वीडियो पसंद हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने आज के पहले प्रश्न की। आज का हमारा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस राष्ट्र की ओर से पर्यावरणीय आपातकालीन स्थिति, स्टेट ऑफ एनवायरमेंटल इमरजेंसी की घोषणा की गई है। तो जो भारतीय क्षेत्र है, उसका जो निचला क्षेत्र है, जैसे हिंद महासागर के नाम से जाना जाता है, वहां पर एक द्वीपीय राष्ट्र है मॉरिशस, यहीं पर क्या हो गया है भाई, इमरजेंसी, एनवायरमेंटल इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। एक्चुअली में हुआ क्या है, एक जापान में निर्मित जहाज था, जैसे आप देख सकते हैं एमवी क्वाशियो इसका नाम था, वो वहां पर जाकर फंस गया। हालांकि वो खाली जहाज था, इसमें कुछ था नहीं, लेकिन आपको पता है जो पानी के जहाज हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, और उनका खुद का ईंधन जो उनके इंजन को चलाने के लिए लगता है वही काफी बड़ी मात्रा में होता है, और वही यहाँ पर ईंधन क्या हो गया है भाई, टैंकर के लीकेज की वजह से फैल गया है। और मैं आपको बताना चाहूंगा मॉरिशस की जो अवस्थिति है, भौगोलिक स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके आसपास में बिल्कुल कोरल रीफ, जो महासागरी जो एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा है, और इस तेल हजारों टन यहाँ पर तेल क्या रिस चुका है, और इसी वजह से यहाँ पर पर्यावरण की बहुत बड़ी क्षति हो रही है। टॉक्सिस डिजास्टर इसे कहा जा रहा है, और आप जानते हैं छोटे देश होने की वजह से बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज भी नहीं है इनके पास। फ्रांस से मदद मांगी है मॉरिशस ने, आप देखते हैं कि कितने दिनों में यह समस्या का समाधान होता है, अति महत्वपूर्ण हो जाता है, आप भूलिएगा मत मॉरिशस को। मॉरिशस के हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री हैं प्रवीण जगन्नाथ, भारतीय मूल के ही व्यक्ति हैं, और राष्ट्रपति हैं पृथ्वीराज रूपन। तो यह क्या है भाई, किस देश में, मॉरिशस में है एनवायरमेंटल इमरजेंसी की घोषणा। अगला प्रश्न देखिए, भारत की ओर से मालदीव की सरकार के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया गया है। तो 18 मिलियन अमेरिकी डॉलर का यहाँ पर लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया गया है भारत सरकार की द्वारा। मुख्यतः यहाँ की जो इंडस्ट्रीज, फिशरिंग कंपनीज है, उसमें भारत सरकार क्या कर रही है भाई, अपना प्राइमरी सेक्टर बनाने की या बात करने की कोशिश कर रही है, ताकि बड़ी से बड़ी मात्रा में मछली से संबंधित उद्योग को यहाँ पर बढ़ावा दिया जाए, जिसमें जो मूल रूप से क्या है, इकोनॉमी की जड़ मानी जाती है मालदीव की। मालदीव के जो हाल फिलहाल में राष्ट्रपति हैं वो है इब्राहिम मोहम्मद सोले, यहाँ की राजधानी है माले, और यहाँ की जो मुद्रा है वो है मालदीपियन रूफिया कहलाती है। आप देख सकते हैं भारत और मालदीव के बीच में जो कॉपरेशन, बहुत अच्छा कॉपरेशन है। हालांकि कुछ राजनीतिक अस्थिरता भी हो गई थी, जिसे भारत के सहयोग से सुलझा लिया गया, और आप अवस्थिति देख सकते हैं भौगोलिक, जस्ट हमारे मालदीव के नीचे ही पड़ता है क्या है भाई, हमारे लक्षद्वीप के जस्ट नीचे पड़ता है मालदीव, जिसकी राजधानी है माले। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय सैनिकों के सम्मान में एक स्मारक बनाने का निर्णय हाल ही में किस देश के द्वारा लिया गया है। तो बांग्लादेश यहाँ पर बनाने वाला है। आपको पता है पाकिस्तान से जो स्वतंत्रता संघर्ष हुआ था 1971 में, जिसमें भारतीय शहीद जो क्या हो गए थे भाई, जवान हो गए थे, सैनिक हो गए थे, उन्हीं की याद में यहाँ पर बांग्लादेश बना रहा है एक स्मारक। आपको याद होगा 1971 के जो लिबरेशन युद्ध के महत्व को हवाला देते हुए त्रिपुरा की सीमा पर, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपसे राज्य भी पूछा जा सकता है, जो त्रिपुरा से लगी हुई सीमा, आपको पता है त्रिपुरा बिल्कुल अंदर की तरफ घुसा हुआ है, कहां पर भाई, बांग्लादेश की तरफ, तीनों ओर से त्रिपुरा की जो तीन तरफ की जो बाउंड्रीज है वो किसमें, बांग्लादेश से लगती है, और थोड़ा सा मैदानी इलाका भी पड़ता है त्रिपुरा, इसीलिए आप देख सकते हैं सेवन सिस्टर्स में काफ़ी घनी आबादी रहती है, सिर्फ त्रिपुरा के राज्य में ही देखने को मिलती है। तो त्रिपुरा की सीमा पर ब्राह्मणबाड़िया जिले के आशुगंज में लगभग 3.5 एकड़ जो भूमि है यहाँ पर चयन किया गया है, और यहीं पर बनाया जाने वाला है एक युद्ध स्मारक, किसके द्वारा, बांग्लादेश सरकार के द्वारा। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि कोई दूसरा देश भारत देश के सैनिकों के लिए एक युद्ध स्मारक का निर्माण कर रहा है। बांग्लादेश, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, मुद्रा है टका, और यहाँ की प्रधानमंत्री हाल फिलहाल में शेख
हसीना, शेख मुजीबुर रहमान की जो बच्ची थी उन्हीं वही हैं शेख हसीना। आप देख सकते हैं लिबरेशन वॉर में शहीद भारतीयों के लिए युद्ध स्मारक। और बांग्लादेश की आप क्या देख सकते हैं, ज्योग्राफिकल लोकेशन को देख सकते हैं। याद रखिएगा सभी पड़ोसी देशों में जो सबसे ज़्यादा सीमा रेखा अगर किसी पड़ोसी देश से लगती है भारत देश की, तो वो बांग्लादेश से ही लगती है, लगभग 4200 किलोमीटर के आसपास की। अगला प्रश्न देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जोड़ने वाली सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल की शुरुआत किसके हाथों से की गई है? तो इस लगभग 2500 किलोमीटर लंबी इस ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आपको पता होगा पूरी की पूरी दुनिया हाल फिलहाल में इस क्या है भाई, ऑप्टिकल फाइबर केबल का जो जंजाल है मुख्यतः इंटरनेट के लिए है, इसका फैलाव कर दिया गया है। अब आप पूछेंगे सर जब आपके पास कम्युनिकेशन सेटेलाइट है तो फिर ये सब करने की क्या जरूरत है? देखिए कम्युनिकेशन सेटेलाइट की एक सीमा होती है, और आपको पता है कम्युनिकेशन सेटेलाइट की जो हाइट होती है वो पृथ्वी के तल से 36,000 किलोमीटर की होती है। तो अगर आप कम्युनिकेशन करेंगे सैटेलाइट के थ्रू तो आपको इतना फास्ट इंटरनेट भी नहीं मिल पाएगा और आप इतनी इफिशेंसी से सारे काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको हाई स्पीड ब्रॉडबैंड अगर कनेक्टिविटी चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक केबल की ज़रूरत होगी, मुख्यतः ऑप्टिकल फाइबर केबल की। आपको पता ही इंटरनल क्या है भाई, रिफ्लेक्शन की वजह से काफ़ी स्पीड होती है ऑप्टिकल फाइबर की। हाल फिलहाल में पूरी की पूरी दुनिया को ही ऑप्टिकल फाइबर के जंजाल से जोड़ दिया गया है सिवाय अंटार्कटिका महाद्वीप के। तो भूलिएगा मत, अंटार्कटिका महाद्वीप में आज भी कम्युनिकेशन के लिए या नेट के लिए किसका उपयोग किया जाता है भाई, सैटेलाइट का उपयोग किया जाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण हो गया है स्ट्रेटजिक तौर पे भी, अभी भारत देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि चाइना के डोमिनेंस को देखते हुए यह बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अरुणाचल प्रदेश के पहले रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र इट मीन सिल्क ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? तो अरुणाचल प्रदेश का एक आदिवासी गांव है चुल्लू, यहीं पर स्थापित किया जाएगा अरुणाचल प्रदेश का पहला सिल्क ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर। किसके द्वारा स्थापित किया जाएगा? भारत देश के खादी और ग्रामोद्योग उद्योग के द्वारा या आयोग के द्वारा यह किया जाएगा। यहाँ पर हथकरघा, चरखा, सिल्क रीलिंग मशीन और युद्धरत ड्रम जैसे मशीनों का उपयोग यहाँ पर किया जाएगा। इरी सिल्क का मुख्यतः यहाँ पर प्रोडक्शन करने की बात की जा रही है। आपको पता है काफ़ी बेशकीमती होता है सिल्क, और भारत देश काफ़ी बड़ी मात्रा में इसका उत्पादन और निर्यात दोनों ही करता है, खादी और ग्रामोद्योग उद्योग। इसके हाल फिलहाल में अध्यक्ष हैं विनय कुमार सक्सेना और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेमा खांडू, राज्यपाल हैं बीडी मिश्रा महोदय। आप देख सकते हैं सेंटर पुराना ही सेंटर था, इसी को रिनोवेट किया गया है यहाँ पर, और खादी और ग्रामोद्योग का आप लोगों सामने देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के साथ किसने एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत देश की एक घरेलू ई कॉमर्स मार्केट प्लेस कंपनी फ्लिपकार्ट, इसी ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ यहाँ पर समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ODOP बहुत महत्वपूर्ण योजना है, मैं कई बार आपको बताता रहता हूँ, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना। एक्चुअल में उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह किया है कि हर एक राज्य ने अपनी विशेषता के तहत, जैसे कि मेरठ के ताले होते हैं, हर एक जैसे कि चंदेरी की साड़ियाँ मध्य प्रदेश में होती हैं, तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट अलग अलग काम के लिए क्या है भाई, प्रसिद्ध हैं। इसे ही हर डिस्ट्रिक्ट को स्पेशलाइजेशन यहाँ प्रदान करते हुए सरकार सहायता प्रदान कर रही है, और इसी के तहत यह ODOP योजना काफ़ी सक्सेस होती हुई दिख रही है। जब आई थी तभी मैंने इसका जिक्र किया था, यही इसी को क्या है लोगों तक, जन जन तक पहुंचाने के लिए, और इस ODOP योजना के तहत जो लोग लगे हुए हैं, जो लघु और कुटीर उद्योग के लोग लगे, उनको आम जनता तक उनके प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए फ्लिपकार्ट ने यह फ्लिपकार्ट समर्थ पहल के तहत ऐसा कर रहा है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या के हिसाब से भारत देश का सबसे बड़ा राज्य है। इसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन यहाँ की राज्यपाल हैं, यहीं पर राम मंदिर का शिलान्यास किया गया है 5 अगस्त 2020 को। अगला प्रश्न देखिए, एक बुक है रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कन्वर्ट ऑपरेशन शीर्षक किसके द्वारा लिखी गई है? तो जांच पड़ताल करने वाले बहुत प्रमुख पत्रकार और लेखक यतीश यादव, इन्हीं के द्वारा यह बुक लिखी गई है रॉ। भूलिएगा मत, रॉ के बारे में जो हमारी क्या है भाई स्पाई एजेंसी है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसी के बारे में यहाँ पर डिटेल में बातें रखी गई हैं। रॉ की स्थापना हुई थी 21 सितंबर 1968 को, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, सामंत गोयल हाल फिलहाल में इसके प्रमुख बने हुए हैं, और इसकी स्थापना की थी बहुत फेमस स्पाई मास्टर रहे हैं रामेश्वर नाथ काव, इन्होंने 1968 में की थी। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही हमारे विदेश मंत्री थे एस जयशंकर, इन्होंने एक किताब लिखी थी द इंडियन वे। इसके अलावा आपको याद होगा अमेजिंग अयोध्या नाम की एक बुक लिखी थी नीना राय ने। इसके अलावा आपको याद होगा विश्वेश
कोड टू विन निरुपमा यादव के द्वारा बुक लिखी गई थी, हमारे बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं उनके लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पूर्व रेसलर जेम्स हैरिस का निधन हो गया, वे किस नाम से मशहूर थे? तो कमाला के नाम से मशहूर थे, आपको अगर याद हो तो WWE में अपने समय पर काफी फेमस थे, और जो ग्रेट रेसलर्स थे जैसे कि अंडरटेकर, हल्क होगन, सभी के साथ इन्होंने फाइट की थी, अपने आप में एक यूनिकनेस के साथ में सामने आते थे, आप इनको देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, तेलंगाना से 8 बार के सांसद रहे नंदी येलैया का निधन हो गया, वे किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? तो कांग्रेस से आते थे ये नंदी येलैया, आप समझ सकते हैं 8 बार सांसद रहना अपने आप में बहुत बड़ा क्या होता है भाई, लक्ष्य होता है। तेलंगाना का आप मैप सामने देख सकते हैं। सबसे लेटेस्ट का राज्य भारत देश का 28वें नंबर का, 2 जून 2014 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे कब मनाया जाता है? तो 10 अगस्त को मनाते हैं हम पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत। 9 अगस्त को हमने मनाया था, क्या है भाई, ट्राइबल डे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा।